वेलकम टू एस जी इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। मैं आया हूँ पहली बार मलेशिया में और आपके सामने है ये फेमस पेट्रोनास ट्विन टावर्स। दिस इज द फेमस लैंडमार्क ऑफ मलेशिया कंट्री। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ मलेशिया के सबसे बड़े एक्वेरियम में। हम देखेंगे एक्वेरिया KLCC, सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो पेट्रोनास ट्विन टावर के एक टावर के ठीक सामने मैं खड़ा हूँ और अब ठीक इसके नेक्स्ट है ये सूर्या KLCC का बड़ा सा टावर। तो यहाँ से अब स्ट्रेट जाना है मुझे KLCC एक्वेरिया के तरफ। सो KLCC स्टैंड्स फॉर कुआलालंपुर कॉन्वेंशन सेंटर। सो ये देखिए क्या विशाल है, ये 450 मीटर हाइट का है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर देखिए एक के बाद एक कितने सारे स्काई स्क्रेपर्स हैं। और ये ठीक जो आपके सामने आप देख रहे हो ये है मैंडरिन ओरिएंटल, जो एक 5-स्टार होटल है। तो अब यहाँ से बस 500 मीटर्स दूर ही है एक्वेरिया KLCC, द बिगेस्ट एक्वेरियम इन मलेशिया, जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऑल्सो आपको बताना चाहूँगा यूट्यूब पर इसके बहुत कम वीडियोस हैं और जिन्होंने भी वीडियोस बनाए हैं सिर्फ म्यूज़िक डालकर, बैकग्राउंड म्यूज़िक डालकर बनाए, किसी ने भी लाइव बोलकर बनाया नहीं है। तो मेरे ख्याल से पहले हमारे चैनल पर ही ऐसा वीडियो होगा जो कमेंट्री के साथ आपको देखने को मिलेगा। सो आई एम श्योर ये इंटरनेशनल कॉन्टेंट आपको पसंद आएगा, तो ज़रूर एक थम्सअप तो बनता है और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए पूरा वीडियो पूरा एक्वेरियम देखने के बाद। ऑल्सो थाईलैंड का बिगेस्ट एक्वेरियम भी मैंने कवर किया था, वो भी इसके बाद अगर आप देखना चाहो तो लेट मी नो, मैं आपको लिंक दे दूंगा। सो अब मैं पहुंच चुका हूँ एक्वेरिया KLCC, जो यहाँ पर ठीक अंदर है इस कुआलालंपुर कॉन्वेंशन सेंटर के। सो आई हैव रीच्ड। सो अभी मैं प्रोसीड कर रहा हूँ टिकट्स के तरफ। सो यहाँ पर है टिकट काउंटर जहाँ से अब मैं टिकट्स लूँगा। ऑल्सो आई लेट यू नो कि एक टिकट कितने मलेशियन रिंगिट या इंडियन रुपीज़ का है। तो हमारे लिए नॉन मलेशियन सिटीज़न के लिए एक टिकट का प्राइस है 75 मलेशियन रिंगिट, जो मेरे ख्याल से 1000 या 1200 तक हो जाता है, और मलेशियन सिटीजन्स के लिए 60 है और हमारे लिए प्राइस ये है। सो यहाँ से अब हम प्रोसीड करेंगे अंदर, जैसे कि आप बड़े बड़े शार्क्स देख रहे हो। सो नाउ विल प्रोसीड टूवर्ड्स द टिकट काउंटर। सो एक्वेरियम के अलावा इतनी सारी एक्टिविटीज़ भी है और वो रहा वहाँ पर है टिकट काउंटर। तो 75 मलेशियन रिंगिट, अभी मैं लास्ट वीक में आया हूँ तो अभी का रेट मेरे ख्याल से 20 का चालू है, मुझे 20 में मिला। 20 रुपीज़ इक्वल टू 1 मलेशियन रिंगिट, तो उसके हिसाब से 1500 का एक टिकट है। सो ये है टिकट काउंटर। सो मैम व्हाट इज़ द रेट फॉर 1 टिकट? 75। तो यस तो नॉन मलेशियन लोगों के लिए 75 है, तो ये मैं 100 मलेशियन रिंगिट्स इनको दे रहा हूँ, इनको RMs बोलते हैं, तो ये 50-50 के दो नोट्स है। योर मैम यस ओके, तो 75 है। थैंक यू। सो 75 का चेंज हमको मिला है 25 मलेशियन रिंगिट्स, और ये रहे हमारे टिकट्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। यस थैंक यू। सो अब हम चलते हैं इसको लेकर। तो अब हमको ये आगे इनको दिखाना है और इन टिकट्स को ये स्कैन करेंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो अब मैं यहाँ पर इनको स्कैन करने के लिए दे रहा हूँ। थैंक यू। सो अब हम बढ़ेंगे आगे। सो लेट्स प्रोसीड इनसाइड मलेशियाज़ बिगेस्ट एक्वेरियम। सबसे पहली फिश टैंक, सबसे पहली एक्वेरियम हम लोग देखेंगे जो है यहाँ पर। दिस इज़ अ पिराना टैंक एंड
लेट मी गेस द डायमेंशंस, लेंथ मेरे ख्याल से आराम से 10 से 12 फीट है और ब्रेथ बहुत बड़ी है, ब्रेथ मेरे ख्याल से 15 फीट है एंड अंदर आप देख सकते हो एक से बढ़कर एक पिरानास। साइज देखिए और शेप देखिए पिरानास का, मस्क्यूलर थिक हेल्दी पिरानास है। सो यू कैन इमेजिन एक मछली का टुकड़ा या एक बोनलेस चिकन का पीस अगर आप डाल दोगे अंदर, विद इन सेकेंड्स टूट पड़ेंगे, गायब कर देंगे। सो लेट्स प्रोसीड अहेड। सो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। सो इन फिश का नाम मैं जानता हूँ, दीस आर बिग आई स्क्विरल फिश। और ये तो डैमसिल है और ये देखिए क्या मस्त है। और ये लॉबस्टर देखिए कितना बड़ा है और एकदम रंग बिरंगी वाला है। लुक एट दिस लॉबस्टर, और ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो लाइस है उसके बड़े वर्जन है। ये देखिए ऊपर भी आने की कोशिश कर रहे हैं। सो बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर। ये स्टारफिश है। ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा ही अलग और यूनिक लगा, इसके पहले मैंने नहीं देखा था ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं पर। जैसे कि आप देख सकते हो पॉन्ड इन्होंने बनाया है और कॉम्पैक्ट पॉन्ड्स है और पॉन्ड के अंदर सेटअप बनाने की कोशिश करी है। और देखिए कितने छोटे छोटे डैम्सल्स डाले इन्होंने, एंथियास भी है शायद। वाओ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पर स्टिंगरे देखिए क्या गजब के है। और ये देखिए शार्क है ये, बट इसका नाम मैं भूल गया, अगर आपको पता है तो लेट मी नो। और ये देखिए क्या स्पॉट्स है इसके बॉडी के ऊपर। वाओ डैम डैम अट्रैक्टिव, आई एम वॉचिंग दिस स्टिंगरे फॉर द फर्स्ट टाइम। सुपर्ब। वाओ जस्ट लुक एट हियर। सो इसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर। सो ये मीरकैट है, द फेमस टिमोन कैरेक्टर ऑफ लायन किंग। तो जिन्होंने भी लायन किंग देखा है या जो भी लायन किंग के फैंस हैं इनको देखकर आपको पता ही चल गया रहेगा। सो देखिए क्या ज़बरदस्त एनक्लोजर इनके लिए बनाया है, क्या कमाल का बनाया है। देखिए केव्स बनाने की कोशिश करी है। ये देखिए टिंगू सा है बट बड़ा ही क्यूट है। और ये लोग एक्टिव भी बहुत रहते हैं। ये देखिए कितना क्यूरियोसिटी से यहाँ वहाँ देख रहा है। यहाँ पर कुछ प्लांटेड सेटअप्स इन्होंने बनाए हैं। थाईलैंड क्लास फिश। देखिए इनके कलर्स। सो देखिए एकदम झुंड बनाकर एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। दिस इज द डेनिसोनी फिश, जिसको मिस केरला फिश भी कहा जाता है। यहाँ पर है एक
पलुडेरियम, पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मिस्ट मेकर भी लगाया हुआ है। सो ये देखिए इंटीरियर्स भी बड़े ही कमाल के बनाते हैं ये लोग। ऐसा लगता है कि नेचर के अंदर ही बना दिया इन्होंने। फ्रॉग है यहाँ पर, यहाँ पर टेरेंचुला है, और ये देखिए स्कल डाल दिया है सीधा अंदर। बहुत ही गजब का सेटअप बनाया है ये तो। हॉर्न फ्रॉग था ये जो आपने देखा। तो शुरू में ऐसे छोटे छोटे सेटअप्स है, बट स्टे ट्यून्ड, आगे कुछ बहुत बड़ा आप देखने जा रहे हो। यहाँ पर भी अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट हैव अ लुक ओवर हियर। सो ये देखिए सी ऑटर जिंदगी के मज़े उठाते हुए, बहुत आलसी होते हैं ये, वन ऑफ माय स्पिरिट एनिमल। सो ये देखिए जिंदगी का लुफ्त उठा रहा है, अभी मस्त स्नान करके आया हुआ लगता है। और इसका एनक्लोजर तो देखिए बड़े ठाट से जी रहा है। वाओ सो क्यूट। तीन चार है यहाँ पर तो, और ठीक साइड में स्लाइड भी बनाई है इन्होंने इनके लिए। सो यहाँ पर है एक ब्लू टंग्ड स्किंक, ये देखिए खजाना, खजाने के अंदर बहुत सारे क्लाउन फिश डाले हुए हैं। जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, देर आर डजन्स ऑफ क्लाउन फिश, कोरल से नीचे। तो जब भी लोग क्लाउन फिश को देखते हैं तो पहला शब्द निकलता है नीमो, क्योंकि सारी मछलियों में गोल्ड फिश के बाद नीमो फिश ही मशहूर है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस एक्वेरियम में है बड़े बड़े लायन फिश। लुक एट देयर साइज़, इनकी साइज़ तो देखिए आप कितने ह्यूज है। इतने बड़े लायन फिश ज़िंदगी में मैं पहली बार देख रहा हूँ। वाओ स्टनिंग, ट्रूली स्टनिंग। तो हमने आपको हमारे चैनल पर जितने भी लाइन फिश दिखाए स्मॉल साइज़ के थे, इतने बड़े ये क्योंकि मेरे ख्याल से डबल एक्सेल साइज़ होगी इनकी। मरीन फिश में साइज़ 2 इंचेस 5 इंचेस ऐसे नहीं गिने जाते, बल्कि स्मॉल मीडियम लार्ज या एक्सेल इसमें मेजर किए जाते हैं। सो मेरे ख्याल से इस पूरे एक्वेरियम की वाटर वॉल्यूम कैपेसिटी आराम से होगी 1000 लीटर के करीब। इसमें दो प्रकार के हैं, एक रेड लायन फिश और एक रीफ स्टोन फिश। नज़र नहीं हट रही है, देखिए क्या कमाल के फीचर्स है इनके पास में। कहाँ पर इनकी पेक्टोरल फिन है, एनल फिन है, पेल्विक फिन है। लुक एट दैट पेक्टोरल फिन, ऐसी पेक्टोरल फिन मेरे ख्याल से बहुत कम फिशेस को नेचर ने ब्लेस किया हुआ है। एंड द डॉर्सल फिन इज़ ऑल्सो सो यूनिक, बीच बीच में इरेक्ट करती है। सो बाहर के एक्वेरियम्स की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये लोग साइज़ जब रखते हैं तो साइज़ के लिए स्पेस भी बहुत ज़्यादा देते हैं, सेटअप पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं।
So they are truly doing justice to the aquarium fishes that they are keeping. So यहाँ पर unique aquatic creatures हैं. पहले तो आपको zebra eel दिखा देता हूँ. 3 feet size की है zebra eel. और ये देखिए कैसे छुपे sand में. कीड़े नहीं है. इनको बोलते हैं razor fish. यहाँ पर है razor fish. स्पॉट्स देखिए. तो थोड़े टाइम पहले आपने बड़े जंबो साइज के लाइन फिश देखे. अब देखिए यहाँ पर है ड्वार्फ लायन फिश. उसके बाद यहाँ पर भी एक यूनिक फिश है जो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ. इसका नाम है ओरिएंटल फ्लाइंग गुरनाड. यस, आई एम वॉचिंग दिस एक्वाटिक क्रीचर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. लुक हाउ यूनिक इट इज़. एंड इसके जो फिन्स है ऐसा लग रहा है पंख है इसको. वाओ, दिस इज़ रियली वेरी यूनिक एंड अनकॉमन. ऐसा लग रहा है कि ये ड्रैगन है और फिश भी है. सो डैम अमेजिंग. तो फ्लाइंग फिश के बाद अब हम एंटर करेंगे एक अगला सेक्शन केएलसीसी एक्वेरिया का. सो यहाँ पर इन्होंने ऐसे दीवार में एक्वेरियम फिट किए छोटे छोटे. सो आप क्लियरली देख सकते हो ये दीवार में, इस वॉल में इन्होंने कितने ब्यूटीफुली, कितने यूनिक वे में ये बनाया है. देखिए दिस इज अ श्रिम्प. आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे दे हैव मेड दिस. वाइड एंगल में देखिए अभी. इजंट इट यूनिक. ऑल्सो लेट मी नो कि आपको कौन सा एक्वेरियम या कौन सी फिश सबसे यूनिक या सबसे अलग लगती है. यहाँ पर भी एक श्रिम्प है. वाओ, जस्ट लुक हियर, दिस इज अ लीफ स्कॉर्पियन फिश. ये भी पहली बार देख रहा हूँ मैं, लीफ स्कॉर्पियन फिश. सो अब चलते हैं. एंड नाउ इट्स टाइम टू हैव अ लुक एट बिग एक्वेरियम. वाओ, ये मेरे ख्याल से 15 फीट का है. लुक एट द साइज, भरा हुआ है बहुत सारे कोरल्स के साथ में. You can imagine the maintenance of this huge aquarium. Fishes बहुत कम है इसमें, but corals बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं. और आपको बताना चाहूँगा, corals जो है आँखों से देखने का अलग ही मज़ा होता है. because कितना भी अच्छा कैमरा हो, I think कि it cannot do justice to the beauty of corals. Still I'll try to go लिटिल क्लोज़र, जूम से आपको दिखा देता हूँ क्लोज जाके. ये देखिए क्या एक से बढ़कर एक कोरल्स है. सो अब आगे चलते हैं. नाउ दिल थाम के बैठिए, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है इस एक्वेरिया केएलसीसी की सबसे बड़ी हाईलाइट, और जो देखने के लिए मैं मलेशिया में आया. और अपार्ट फ्रॉम माय वैकेशन ये देखने के लिए मैं आया. तो ये अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा ओवर हियर. लुक एट हियर. तो ये नीचे से भी मैं आपको दिखाऊँगा, बट यहाँ से इसका लुक देखिए और नीचे देखिए. OMG, तो ऐसे नज़ारे जब देखने को मिलते हैं मेरे अंदर का जो बच्चा है वो जाग जाता है. जैसे कि एक बच्चा खिलौने की दुकान में या कैंडी के दुकान में खो जाता है,
बावला हो जाता है, पागल हो जाता है। वैसे ऐसे दृश्य जब देखने को मिलते हैं तब मैं पागल हो जाता हूँ सीरियसली। तो ये जो है एक सिलेंड्रिकल एक्वेरियम है, इतना बड़ा सिलेंड्रिकल एक्वेरियम मेरे ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। इसके अंदर टिनफॉइल बॉक्स तो है ही, बट इसके अंदर एक और एक बड़ी खास फिश है जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ ये जूम करके। देखिए इसका नाम है मैसर फिश। तो इसके बारे में कुछ रिसर्च मैंने करी तो मेरे को पता चला कि मैसर फिश को जो है इकान देवा यानी फ़िश ऑफ द गॉड्स बुलाया जाता है, ठीक आपके ये सामने है। और इसको बहुत सारे इस्लामिक स्टेट्स में भी प्रोटेक्टर के रूप में माना जाता है, रिगार्डेड किया जाता है। इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग। ये भी देखिए। सो नाउ लेट मी नो कि आपको क्या लगता है सिलेंड्रिकल एक्वेरियम में कितने फिशेस होंगे और क्या वाटर वॉल्यूम कैपेसिटी का होगा ये। सो अभी हम नीचे जाएंगे और नीचे से इस सिलेंड्रिकल एक्वेरियम का नज़ारा देखेंगे, तभी हमको मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा है। ऑल्सो अब मैं जूम करने जा रहा हूँ, देखिए कितने बड़े बड़े एशियन एरवानास है यहाँ पर। लुक एट दैट साइज़, ये देखिए कितने हैवी, कितने थिक, कितने मस्कुलर, कितने बीस्ट हो चुके हैं ये सारे अडल्ट एशियन एरवानास है। और जूम जाता हूँ, लुक एट दैट हाउ ह्यूज दे आर, OMG। अंदर का फैन जाग उठ रहा है अब। और जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग जाएंगे, सो यहाँ पर एक बड़ी मगरमच्छ भी इन्होंने बनाई है जो भी हम लोग देखेंगे। नाउ हैव अ लुक ओवर हियर। Oh my goodness, this is a monster fish aquarium. कितना बड़ा है जस्ट अंदाजा लगाइए। इसको मेंटेनेंस करने के लिए, फीडिंग करने के लिए क्या एक्सपेंस होता होगा। सो ये देखिए बड़े बड़े मॉन्स्टर फिशेस है कितने सारे, और लाखों लीटर का वाटर वॉल्यूम कैपेसिटी होगा। मेरे ख्याल से 1-2 लाख लीटर होना चाहिए। और साइज देखिए इनकी, वाव। सो हमारे टिकट के पैसे पूरे वसूल हो चुके हैं मेरे ख्याल से इस एक्वेरियम को देखकर और इस सिलेंड्रिकल एक्वेरियम को देखकर। ऑल्सो आपको वोट करना है, आपको मेरे को बताना है कि इस एक्वेरिया KLCC में जो मलेशिया का सबसे बड़ा पब्लिक एक्वेरियम है, यहाँ पर आपको सबसे सुंदर या सबसे लाजवाब कौन सा एक्वेरियम आपको लगता है। ये देखिए यहाँ से तो मेरी नज़र नहीं हट रही है, मैसर फिश है, एरवाना फिश है, बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े कार्प्स है इसके अंदर। और ये नज़ारा तो अद्भुत है ही। सो अब देखिए नज़ारा, अब देखिए ये माइंड बॉगलिंग विजुअल्स इस बड़े से सिलेंड्रिकल एक्वेरियम के। सो दिस इज़ गोना बी द थंबनेल ऑफ आर वीडियो, दिस स्पेशल वीडियो ऑन आर चैनल। और ये रहे वो एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर फिश, दीज आर ऑल 7-स्ट्राइप बार्ब और जूलियंस कार्प, जो भी बहुत बड़े होते हैं, फ्रेश वाटर के बड़े साइज़ के जायंट फिश है। सो जूलियंस कार्प के साथ यहाँ पर मैसर फिश भी है, देन एशियन एरवाना फिश भी है। एंड सिलेंड्रिकल एक्वेरियम में जैसे कि मैंने कहा था मैसर फिश है, विच इज़ कंसिडर्ड एज द फिश ऑफ गॉड्स। एंड काफ़ी सारे इस्लामिक स्टेट्स में उनको एज अ प्रोटेक्टर भी माना जाता था, सिंबल उनका हुआ करता था। सो ये रही वो मैसर फिश, एंड दिस इज़ द 7-स्ट्राइप बार्ब और द जूलियंस गोल्डन कार्प। अब मैं आपको ऊपर से इस पॉइंट का नज़ारा दिखा देता हूँ।
Whoa, just have a look. So हम physically dive तो नहीं कर सकते but visually हम लोग ज़रूर dive कर सकते हैं इस aquarium के अंदर. So monster fish lovers, I am sure this is truly a treat to your eyes. And ये cylindrical aquarium से तो नज़र नहीं हट रही मेरी. लाखों लीटर की वाटर वॉल्यूम कैपेसिटी, नीचे देखिए कितने सारे और हैं. फिल्ट्रेशन का इनलेट हमको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, तो यही कमाल की बात होती है पब्लिक एक्वेरियम्स की. सेटअप इतना कमाल का बनाते हैं, इनलेट कहाँ पर है, फिल्ट्रेशन कहाँ से होता है कुछ मालूम नहीं पड़ता है, एकदम कसब का बनाते हैं और हमेशा वाटर क्लैरिटी एकदम टॉप नॉच होता है. ये भी देखिए सिलेंड्रिकल एक्वेरियम की वाटर क्वालिटी क्या कमाल की है. वो देखिए कितना बड़ा एशियन एरवाना है. अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये मॉन्स्टर फिश एक्वेरियम जो 30 फीट का है और इसका टोटल वाटर वॉल्यूम मेरे ख्याल से होगा मोर देन अराउंड 500,000 liters. सो यहाँ पर ये एरापाइमा फिश मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो है मेरे ख्याल से 5 से 6 feet साइज़ की. और यहाँ पर है नाइजर ऑक्सीडोरा कैट फिश, देन हियर इज़ अ ब्लैक पाको फिश जो मेरे ख्याल से 3-4 feet की होगी, और ये एरापाइमा फिश देखिए जिसको देख के मेरा दिन बन गया, लिटरली इट मेड माई डे. सो यहाँ पर एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर फिश है इस एक्वेरियम में. और ये 30-35 feet की जो लेंथ की एक्वेरियम है, ये एक नॉर्मल ग्लास की एक्वेरियम नहीं है बल्कि कर्व्ड ग्लास की एक्वेरियम है. यू कैन हैव अ लुक, इट इज़ टोटली कर्व्ड. तो यहाँ से नज़ारा देखिए सिलेंड्रिकल एक्वेरियम का, हर जगह से हर साइड से क्या कमाल का लुक आता है वाइड एंगल से. अब देखिए, हैव अ लुक नाउ, हैव अ लुक एट दिस मॉन्स्टर फिश एक्वेरियम. ये देखिए क्या बड़े बड़े साइज़ के हैं. सो बड़े मॉन्स्टर फिश को देखकर बहुत गजब लगता है. ये देखिए कितना बड़ा एशियन एरवाना है, ये देखिए पर्ल एरवाना है शायद से, पूरा स्पून हेड है और क्या थिकनेस है देखिए. वाह, ये देखिए ये भी एशियन एरवाना, साइज़ तो देखिए और क्या गजब की ड्रैगन लुक है. वाह, और ये माश है तो देखिए, और इसका फेस भी देखिए कितना अलग है. वाह, सो जायंट फिश का यही मैजिक होता है. हैव अ लुक एट दो स्केल्स, 7 stripe होते हैं इस बाप के ऊपर. ऑल्सो वाटर क्वालिटी भी देखिए क्या क्रिस्टल क्लियर है, कहीं पर भी बॉटम पर आपको वेस्ट नहीं दिख रही है. और ये देखिए एरवाना की पेक्टोरल फिन क्या शान से फुला के जा रहा है. वाह, तो ये 1 घंटे तक भी अगर मैं शूट करूँ तो भी मेरे को मेरा मन नहीं भरेगा. आगे चलते, और ये देखिए वाह क्या मस्त बनाया हुआ है. यहाँ पर लोटस प्लांट्स है. तो इस वाली मॉन्स्टर फिश एक्वेरियम के बाद एक पार्टीशन है, और इस पार्टीशन के उस पार और एक बड़ी सी मॉन्स्टर फिश एक्वेरियम है जो हमने ऊपर से देखी थी. वहाँ से हमने देखी थी, जो अब लोग आ रहे हैं वहाँ से हम लोग ने ये मॉन्स्टर फिश एक्वेरियम हमने देखी थी. और ये देखिए अब मैं आपको ये एरवानास दिखा रहा हूँ जो ऊपर से जूम करके मैंने आपको दिखाई थी. अब लोग stunning, totally mind-boggling, I am speechless. So ये है मेरे लिए एक truly treat to the eyes. Wow, कितने सारे एशियन एरवाना से देखिए, dozen से ज़्यादा एशियन एरवाना से, और सारे एरवाना की स्केल्स भी देखिए, बॉडी पैटर्न भी देखिए, साइज सब कितनी प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड है.
इट्स बिकॉज द वाटर क्वालिटी, द वाटर मेंटेनेंस एंड फीडिंग, जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. एंड नॉट टू फॉरगेट द स्पेस दैट दे आर गेटिंग. ये देखिए कितनी स्पेस मिल रही है इनको, तो क्यों ना एकदम शान से जिएंगे. सो दिस इज़ ट्रूली अ एक्वेरियम दैट आई वोंट फॉरगेट, विच इज़ अटैच्ड टू दिस सिलेंड्रिकल एक्वेरियम. तो आप कॉन्सेप्ट देखिए, क्रिएटिविटी देखिए, इमेजिनेशन लेवल देखिए. ऐसा सिलेंड्रिकल एक्वेरियम बनाया है जो 30-40 फीट लंबा है, और नीचे अटैच्ड ही एक मॉन्स्टर फिश एक्वेरियम बनाया है जिसमें एक डजन से ज़्यादा मॉन्स्टर फिश है. ये देखिए कितना ज़बरदस्त फ्लो है, और नीचे अल्बाइनो जायंट गुरामी है, अल्बाइनो शार्क है, टिन फॉइल बाब है, पंगेशियस है. नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड. अब जाएंगे हम लोग आगे. हियर इज आर्चर फिश which is blessed with an amazing mechanism. They can shoot water. जी हाँ, ये पानी shoot करके, spit करके अपने prey को पकड़ते हैं, जिस तरह से arowana पानी से बाहर छलांग लगा के कीड़े मकोड़ों को पकड़ती है. Also have a look at the patterns. Also anal fin पर देखिए कैसी black color की stripe है, curved stripe है. वाओ, ऑल्सो यहाँ पर आई चेक फॉर द साइन बोर्ड. ये रहा, सो ग्रुपर है, रैबिट फिश है और पफर फिश है. वाओ, जस्ट हैव अ लुक क्या बनाया है ये. इनकी इमेजिनेशन लेवल, थिंकिंग लेवल और बनाने की हिम्मत को दाद देनी चाहिए. ये देखिए अभी वाइड एंगल से. सो देखिए कितने जी जान से, लगन के साथ में ये कितना प्यारा, एक से बढ़कर एक एक्वेरियम बनाते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, फीडिंग अच्छी करते हैं. और फिशेस की क्वालिटी देखिए, ये रहा मरीन का पैरेट फिश. ये देखिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मरीन का पैरेट फिश है. ये देखिए, इजंट इट अमेजिंग. और ये स्ट्राइप्ड वाले फिश भी देखिए. ओ, दिस इज़ अ पिनेटस बैट फिश. और ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी साइज पिनेटस बैट फिश की. सो आई एम अ बैटमैन फैन, इसलिए मेरे को ये पेनेटस बैटफिश बहुत पसंद है. एंड आई थिंक वो एक रेमोरा शार्क है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या गिटार शार्क. क्या गजब का है देखिए. ऑल्सो यहाँ से अगर वाटरफॉल होगा तो चार चांद लग जाएंगे इस एक्वेरियम को, एक्वेरियम कम पॉन्ड को. तो अब हमको जाना है यहाँ से, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस वेल फिश के नीचे ये देखिए कैसे, क्या बनाया है इन्होंने देखिए. और आगे और एक बड़ा एक्वेरियम हम लोग देखेंगे. तो अभी हम जाएंगे एक्वेरियम टनल के अंदर, जो भी एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ का एक्वेरिया KLCC का.
So let's enter this aquarium tunnel. और देखिए यहाँ पर चलने की भी ज़रूरत नहीं है, वाओ, दिस इज सरियल। वो देखिए यहाँ पर यू कैन सी दैट बिग 7 feet का शार्क। सो लाइटिंग्स यहाँ पर डिम है इसलिए थोड़ा सा आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा। ऑल राइट, हियर इज द रियल मॉन्स्टर ऑफ द सी। So you're watching the schooling of these fishes now. Whoa, what awesome visuals I've got. ऑल्सो आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए, वाह, ये देखिए इसके दांत। ऑल्सो आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मैं कोई भी पब्लिक एक्वेरियम विज़िट करता हूँ, दो बार मेरे को विज़िट करना पड़ता है, बिकॉज एक बार शूट करता हूँ, शूट के टाइम पे देखता नहीं हूँ, बस शूट करता हूँ और ख़ुद से देखने के लिए अलग से आता हूँ, उस टाइम पे मैं शूट बिल्कुल नहीं करता हूँ, बस देखते रहता हूँ। सो थाईलैंड के सीवर्ल्ड बैंकॉक पे भी ऐसे ही किया था मैंने, दो बार चला गया था। सो फर्स्ट विज़िट में मैं पूरा शूट कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट विज़िट में मैं बस देखने के लिए आता हूँ। ये देखिए आराम से मेरे ख्याल से 7 या 8 feet का होगा ये। इट इज़ सो ह्यूज। ये देखिए यहाँ से अब इस एक्वेरियम टनल का व्यू। क्या बनाया है देखिए इसको। So you can imagine the amount of the total water volume जो इस tunnel में होगा। Also बहुत बड़ा flying river turtle था तो उसको मैंने shots में capture किया है, so you'll get to watch it in the shots coming soon. तो ये देखिए फिर से आ रही है, वाओ, इसको देखकर तो वाकई में लगता है कि यही असली मॉन्स्टर है सी की। ओ इसको तो देखिए, और BGM तो देखिए, जो जब आप डाइव करते हो समंदर के अंदर तो जैसा आवाज़ आता है वैसा BGM भी इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। ये लोग बहुत आगे हैं इन सब चीज़ों में। सो जो टिकट आप लेते हो वो पूरा वसूल हो जाता है, क्योंकि आपको ऐसे अंदर एक से बढ़कर एक विजुअल्स देखने को मिलते हैं।
वो देखिए मैंटा रे, ये देखिए मैंटा रे कितनी बड़ी है। वो ये देखिए इसकी साइज है स्टिंगरे की, वाह। ऑल्सो मैंटा रे स्टिंगरे से अलग होती है। ये देखिए क्या बड़ा है ये। ये मेरे ख्याल से काउनो स्टिंगरे है। वाह। तो यहाँ पर एक के बाद एक स्टिंगरे आते जा रहे हैं। देखिए सो दिस पार्ट ऑफ द एक्वेरियम टनल इज रूल्ड बाय द स्टिंगरेस। सो ये मेरे को पता है ये तो काउनो स्टिंगरे है। और ये देखिए क्या विशाल है। और वो देखिए और कितना बड़ा है, वहां तक है देखिए। वाह, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और इसकी टेल तो देखिए, टेल ही मेरे ख्याल से 5-6 फीट की है। और यहाँ तो देखिए आधी टूटी हुई शिप का सेटअप बनाया हुआ है इस टनल के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, इनकी क्रिएटिविटी लेवल नेक्स्ट लेवल पर है। BGM हो गया, मेंटेनेंस हो गया, कीपिंग हो गया। ये देखिए क्या लुक दिख रहा है यहाँ से। वाओ, हैव अ लुक। देखिए स्टिंगरे बड़े है ही, बट इनकी पूछ भी 3-4-5-6 फुट की इनकी पूछ ही है। सो अंडर वाटर टनल हैज कम टू एन एंड यहाँ पर। आई वोंट फॉरगेट दिस। लेट मी नो आपको कैसा लगा। और ये आखिरी बार स्टिंगरे देख लीजिए। सो मुझे लग रहा था कि एक्वेरियम टनल ख़त्म होने आया है, बट आगे और एक एक्वेरियम टनल है। ये देखिए, मुझे लगा ख़त्म हो गया है, बट यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है। शार्क टीथ बनाए हैं एंट्रेंस पर। सो मेरे ख्याल से इस टनल में मुझे छोटी छोटी मछलियाँ दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पर। तो आपने देखा कितने सारे स्पीसीज हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं पता। हैव अ लुक एट दिस फिश। पूरा कर्वी सा हेड है इसको। और ये ऐसा देखिए एक्वेरियम टनल का लुक यहाँ से। बाहर निकलने के बाद इन्होंने ऐसे
सर्कल विंडोज बनाए हैं जहाँ से भी आप इन फिशेस का ग्लिम्प्स ले सकते हैं। सो वहाँ पर आप टनल देख सकते हो और ये फिशेस यहाँ से उस पार जाती है टनल के ऊपर से। तो ये भी एक कर्व्ड एक्वेरियम है और इस स्पीशीज़ का नाम है वुल्फ ईल। क्या खतरनाक मॉन्स्टर लुक है इसका, देखिए ऐसा लग रहा है कि उंगली डालो तो पूरी की पूरी खा जाएगी। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो पॉज करके। अब यहाँ पर भी एक बेहद बड़ा सा मरीन एक्वेरियम जो मेरे ख्याल से 40 फीट का होगा। साइज़ देखिए यहाँ से और कितने बड़े बड़े फिशेस है इसके अंदर, देखिए मेरे ख्याल से टैंक्स है। और यहाँ तो देखिए ये शायद मोनोसीबेस है और मोनोसीबेस की साइज़ देखिए कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी साइज़ मोनोसीबेस की मैंने नहीं देखी अभी तक। ये देखिए जब बड़े फिशेस कूलिंग करते हैं तो क्या आई प्लीजिंग विजुअल्स हमको दिखाई देते हैं। अगेन हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मेंटेनेंस, फीडिंग, ओवरऑल क्या एक्सपेंस होता रहेगा सिर्फ इस एक एक्वेरियम का। ऐसे कितने सारे बड़े बड़े हैं। नाउ यू कैन हैव अ लुक। ये देखिए कितनी नन्ही सी पाउडर ब्लू टैंक है, इस पूरे एक्वेरियम में सबसे छोटी सी टाइनी सी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। वाओ दिस इज मेड सो ब्यूटिफुली। सो यहाँ पर सिलेंड्रिकल एक्वेरियम्स बनाए हैं एंड दिस इज अ पफर फिश। नो दिस इज अ पॉक्यूपाइन फिश। यस दिस इज अ पॉक्यूपाइन फिश। ये देखिए कितनी क्यूट होती है ये और इसको ऊपर से ऐसे स्पाइंस होते हैं जो ये इरेक्ट करती है। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। हैव अ लुक। वाओ दिस इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। इस फिश का पैटर्न देखिए। सो क्या कमाल के पैटर्न से देखिए इस फिश को। इस फिश का नाम है पाइन कॉन फिश। ऐसा लगता है कि आर्ट बनाया हुआ है इसके बॉडी के ऊपर। स्केल्स का डिज़ाइन बनाई हुई है। यहाँ पर है पजामा कार्डिनल्स और इनके भी बॉडी पैटर्न मेरे को बेहद खूबसूरत लगती है। इनको बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट्स होते हैं नियर द टेल फिन। ऐसे लग रहा है कि टिमटिमाते हुए तारे हैं देखिए, और तारों के नीचे
बेमिसाल सी के एक से बढ़कर एक एक्वाटिक क्रीचर्स है। सो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चलते ही जा रहा हूँ। हाँ हो, ये तो देखिए, दिस इज समथिंग रियली यूनिक एंड इनक्रेडिबल। ये देखिए, ये तो पूरा बॉल है, ग्लास का बॉल है। सीरियसली सीरियसली नेक्स्ट लेवल, मतलब सोच के परे है। सो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जो बेहद अद्भुत है, जो तारीफ़ के बिल्कुल परे है। यहाँ पर है ये जेलीफिश इस एक्वेरियम में। रिफ्लेक्शन है लाइट्स का, बट अगर लाइट्स नहीं होते तो और भी खूबसूरत दिखते। यह अपसाइड डाउन जेलीफिश मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये अपसाइड डाउन जेलीफिश। सो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ये जेलीफिश स्टेशन है। ये देखिए इसका पूरा लुक। सो KLCC एक्वेरिया इनके कंजर्वेशन के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लेती है, और इसका मैं नाम आपको बता देता हूँ, ये है मून जेली। क्या अद्भुत एक्वाटिक क्रीचर बनाए हैं हमारे सोच के बिल्कुल उस पार। ऑल्सो हैव अ लुक एट द फिल्ट्रेशन सिस्टम। यहाँ पर जेलीफिश रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी लिखी है। यू कैन पॉज एंड रीड इफ यू वॉन्ट टू। नाउ हैव अ लुक एट दिस जेलीफिश एक्वेरियम। सो जेलीफिश बहुत कम एक्वेरियम्स में आपको दिखेंगी, बिकॉज इनको रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एंड देखिए इतने सारे जेलीफिश को रखना, इट इज़ ट्रूली नॉट एट ऑल एन ईजी जॉब। सो क्या कमाल के क्रीचर्स है, देखिए। सो इमेजिन ऐसी एक्वेरियम अगर घर पे हो, लाइट्स ऑफ करके एक बहुत ही शांत म्यूज़िक चलाकर अगर इसके सामने हम बैठेंगे, सारा स्ट्रेस सारे वरीज एक चुटकी में गायब। दे आर टोटली ट्रूली स्ट्रेस बस्टर्स बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट, their swimming pattern, it is so calm, they give peaceful vibes, positive vibes to us. So इस aquarium को कैसे बनाया, देखिए इसका setup, ऐसे plants डाले हैं कि इसके अंदर आप पता नहीं कर पाओगे कि कौन सी fish है, पूरी camouflage हो गई है। But here is the fish, this is an alligator pipe fish. लुक क्या दिखते हैं ये, और इनकी माउथ भी देखिए बीक के तरह है बड़ी सी। यहाँ पर है सी हॉर्स, ये है टाइगर टेल सी हॉर्स। यहाँ पर भी है एक सी हॉर्स। वाओ, जस्ट लुक एट द वे इट इज स्विमिंग। यहाँ पर है बैम्बू शार्क।
तो ये रही बैम्बू शार्क, बहुत चुलबुली है। सो अब यहाँ पर तो देखिए, ये ऑक्टोपस है, ये स्पेसिमेन लॉन्ग हॉर्न काउ फिश का है, दिस इज आइसोपॉड, जॉइंट आइसोपॉड, एलिगेटर पाइप फिश जो जिंदा लाइव थोड़ी देर पहले हमने देखी, ये पाइन कॉन फिश ये भी हमने देखी, पॉर्क्यूपाइन क्रैब, और ये देखिए लॉन्ग स्पाइंड पॉर्क्यूपाइन फिश, पूरी इन्फ्लेट जब हो जाती है तब इसके स्पाइंस ऐसे दिखते हैं। ये स्पाइनी लॉबस्टर देखिए कितना बड़ा है, रीफ शार्क का जॉ है, ये ज़ेब्रा शार्क की फिन है, ये और इस का साइज तो देखिए, जापानीज स्पाइडर क्रैब है ये, दिस इज रीफ लॉबस्टर। तो यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन, सो विद दिस टुडेज वीडियो हैज़ कम टू एन एंड। सो आई शोड यू KLCC एक्वेरिया, दैट इज मलेशियाज बिगेस्ट पब्लिक एक्वेरियम। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये पूरा एक्वेरियम कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Happy fish keeping and have a wonderful day ahead.